बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है और आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसकी हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, रिलेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद द नेचुरल इकोसिस्टम थ्रू एग्जाम्पल्स। आपने एग्जाम्पल्स बताना है कि इम्पॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की। तो आपका आंसर है जी, यहाँ से शुरू हो रहा है आपका आंसर, एटलीस्ट 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, लाइफ तक लिखेंगे, यूनिटी ऑफ लाइफ। उसके बाद आप आएंगे 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स हमारे कौन कौन से हैं ये बताएंगे आप। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी की आप हेडिंग देंगे, उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद आएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी, और ये आपने, ये देखो मैं आपको जूम करके बता रही हूँ, आपने लिखना है इट डिपेंड्स ऑन, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, अल्टीट्यूड, सॉइल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ स्पीशीज़, ये सारा कुछ आप इसके अंदर लिख देंगे, यहाँ तक रीजन्स तक। उसके बाद आ जाएंगे आपके पास रीजन्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, बायोडाइवर्सिटी की रीजन्स क्या हैं आपके पास। उसके बाद आपने इंपॉर्टेंस लिखनी है, आपने पॉइंट्स दे देने हैं इंपॉर्टेंस के। फर्स्ट पॉइंट जैसे आपके पास है बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर द ह्यूमंस। सेकंड पॉइंट आ गए आपके पास अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। इस तरह इसके 6 पॉइंट्स बन जाएंगे और यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीट हो जाएगा, प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, जी सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन द एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कीप इन व्यू इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आपने हिस्ट्री बतानी है इसकी और क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल्स बताने हैं और एम्स बताने हैं। तो आपका आंसर है जी, यहाँ से आपका आंसर शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, उसके बाद आप आएंगे इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन पे, ये एक्सप्लेनेशन होगी। उसके बाद आप इसकी हेडिंग दे देंगे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद आ जाएंगी कम्प्लेक्सिटी, उसके बाद आ जाएगी हैबिटेट, उसके बाद जनरल करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे इसके, ठीक है जी। और उसके बाद आ जाएंगी आपके पास टैक्सोनॉमी की, आप हेडिंग देंगे और डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, सिस्टमेटिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे, उसकी हेडिंग देंगे। उसके बाद आप एम्स की हेडिंग देंगे, तो आपके पास 2 एम्स हैं ये आप लिख देंगे। उसके बाद आ जाएगी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आप पहले इसकी हेडिंग देंगे और सब हेडिंग देंगे आप इसकी, सिमिलैरिटीज इन करेक्टर्स, और ये आप जैसे मैंने आपको ये पॉइंट आउट किया हुआ है, ये मार्किंग की हुई है, इसी तरह आपने कर देनी है। उसके बाद आपके पास आ जाएगी स्टडी ऑफ डीएनए और यहाँ पे इसके फंक्शन तक। उसके बाद टैक्सोनॉमिक हायरार्की आ जाएगा इसके अंदर ही, सब फाइलम डिस्कस करेंगे आप, और यहाँ तक आपका टेबल और स्पीशी की डेफिनेशन आ जाएगी, उसकी एग्जांपल आ जाएगी, ये सारी डायग्राम भी आ जाएगी। यहाँ तक आपकी क्लासिफिकेशन के एम्स और प्रिंसिपल्स कम्प्लीट हो गए। उसके बाद हिस्ट्री है आपकी, आपने लिखना है वर्क ऑफ एरिस्टोटल पहले, और ये आप यहाँ तक लिखेंगे एनिमेरिया तक। उसके बाद आप लिखेंगे वर्क ऑफ अबू उस्मान उमर अल जाहिज, ये लिखेंगे आप। और उसके बाद आप करेंगे इब्ने रुश्द, इसका आप लिखेंगे वर्क ऑफ इब्ने रुश्द, इसकी आप हेडिंग देंगे और यहाँ तक लिखेंगे अरबिक तक। उसके बाद आप लिखेंगे मॉडर्न पीरियड इन द एंड ऑफ 15th सेंचुरी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ये आपका टेबल सारा इसके अंदर जाएगा और आपका क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीट हो गया। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द बेस ऑफ द एस्टेब्लिशिंग 5 किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि किस तरह 5 किंगडम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेस बनी और किस तरह हमने इनको डिवाइड किया जी। तो ये आपके पास का आंसर है, 5 किंगडम से आप शुरू करेंगे, उसके अंदर आप सारे किंगडम्स डिस्कस कर देंगे और ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा, ओके टेबल तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, जस्टिफाई व्हाई वायरसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्यों हमने वायरसेस को बाहर निकाल दिया क्लासिफिकेशन सिस्टम से। तो इसका आंसर आपके पास है ये स्टेटस ऑफ वायरसेस, इसमें सारा कुछ आ जाएगा।
कि किस तरह हमने वायरसेस को बाहर क्यों रखा और किस वजह से रखा। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब द एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। आपने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के प्रिंसिपल्स बताने हैं, उसके एम्स बताने हैं। तो इसका आंसर आपके पास ये है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, हेडिंग देंगे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की और यहाँ तक आप लिखेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल्स की हेडिंग देंगे और यहाँ से लिखेंगे आप, और उसके बाद सिग्निफिकेंस आ जाएगी इसकी और उसके बाद एग्जांपल्स आ जाएगी। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें नहीं करने, वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। आपके आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी पहले 3 करने हैं, उसके बाद 5th वाला करना है। थर्ड और फोर्थ वाला आप छोड़ देंगे क्योंकि वो भी आपके उसमें नहीं है, इंक्लूड नहीं है सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई एंड एनिमल्स। फंजाई और एनिमल्स के मोड्स में डिफरेंस क्या है, और फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव है, हेटरोट्रॉफ है, जबकि एनिमल्स का है इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, इज़ इट डिफ़िकल्ट टू यूज़ द क्राइटेरिया ऑफ इंटरब्रीडिंग टू डिफाइन स्पीशी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वाई। तो आपके लिए डिफ़िकल्ट है कि आप क्राइटेरिया इंटरब्रीडिंग का डिफ़ाइन करें, इंटरब्रीडिंग का क्राइटेरिया लें एक स्पीशी को डिफ़ाइन करने के लिए कि ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। तो क्यों है ये? स्पीशी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। स्पीशी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड डू नॉट इंटरब्रीड विद वन अनदर, और एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं करेंगे वो। देयरफॉर इट इज़ डिफिकल्ट टू यूज़ द क्राइटेरिया ऑफ इंटरब्रीडिंग टू डिफाइन स्पीशी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बड़ा मुश्किल है कि हम इंटरब्रीडिंग का वर्ड यूज़ करें या क्राइटेरिया यूज़ करें यूनिसेलुलर स्पीशीज़ के लिए। तो हाउ आर टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक रिलेटेड, किस तरह सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी रिलेट कर रहे हैं। टैक्सोनॉमी आपको पता है कि नेमिंग को, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन से डील कर रही है उसको टैक्सोनॉमी कह देंगे, और ऐसी ब्रांच जो कि क्लासिफिकेशन के साथ भी डील कर रही है और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ भी डील कर रही है उसको हमने सिस्टमैटिक्स का नाम दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4 आप नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ विटेकर, मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज इन टैक्सोनॉमी, इनका क्या क्या काम है। रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस कराया 5 किंगडम सिस्टम को, मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने इनको मॉडिफाई कर दिया, जबकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को विटेकर की। ठीक है जी, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हमने करने थे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए।